तो हर हर महादेव भाई लोग, जय माता रानी। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। एक्चुअली ये जो जगह है ना भाई, ये जगह है धनौल्टी। अभी यहाँ से न्यू टिहरी निकलेंगे और न्यू टिहरी से सीधा निकलेंगे हम लोग भाई गोपेश्वर। गोपेश्वर से फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग रुद्रनाथ। रुद्रनाथ की ट्रैकिंग करने के लिए निकले हैं यार। एक्चुअली दो दिन पहले मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड करके लौटा हूँ भाई, दो दिन पहले स्कॉर्पियो से। तो कश्मीर से कन्याकुमारी राइड करके दो दिन पहले आया, वो सारा वीडियो तो आपने देखा ही होगा। अभी आते ही दो दिन रेस्ट किया घर पे और रेस्ट करके फिर से निकल गया यार पहाड़ों में इधर उत्तराखंड कि चलो ट्रैकिंग करते हैं। और ट्रैकिंग करने के लिए रुद्रनाथ को सिलेक्ट किया यार, महादेव बम बम भोले भोलेनाथ का नाम लेके और महादेव के स्थान को चुना भाई। सुबह हम लोग 5-6 बजे के आसपास में निकले हैं भाई और अभी टाइम तो बता दिया कि अभी 9 बज रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं और रेस्ट करके फिर यहाँ से आगे निकलते हैं भाई। न्यू टिहरी यहाँ से 40 किलोमीटर है, तो बने रहिए, दिखाते हैं आगे का नज़ारा। बहुत मस्त मस्त नज़ारे आने वाले हैं। सुरकुंडा माता का मंदिर है भाई यहाँ पे, तो देख सकते हो बाजार वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, चारों तरफ चहल पहल है भाई। पूजा करने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं तो भीड़ लगा हुआ है भाई। चलो यार फाइनली जाम से तो निकल गए हैं, अब खाली खाली रोड मिलना शुरू हो गया है और नज़ारे भी बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे मिल रहे हैं भाई, तो मज़ा आ रहा है। रोड भी काफ़ी बढ़िया सुंदर बना रखा है तो ठीक है। भाई क्या गजब गजब का नज़ारा दिख रहा है यार, हमारे राइट हैंड साइड पे पहाड़ों के ऐसे ऐसे आकार बने हुए हैं ना भाई, और हर मोड़ पे अलग अलग आकार दिखेंगे आपको, तो मज़ा आ रहा है देखने में। उत्तराखंड का ब्यूटी का जवाब नहीं है भाई। देखो पूरा इंडिया में घूमता हूँ लेकिन एक उत्तराखंड घूमता हूँ भाई। इस जगह के ना पता नहीं इस जगह में इतना खास क्यों है भाई और इतना अच्छा क्यों लगता है। इतना सुंदर सुंदर इधर नज़ारे हैं भाई, इतना सुंदर वातावरण है, इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं भाई। पूरा भारत में घूमा हूँ, 2-3 बार चक्कर लगा लिया भाई। अभी हाल फिलहाल में कश्मीर से कन्याकुमारी चक्कर लगा के आ रहा हूँ, तो हर जगह घूमा लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे भाई उत्तराखंड ही लगा। तो ये देख लो भैया, ये है टिहरी डैम। टिहरी डैम दिख रहा होगा इधर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका पानी देख रहे हो कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई, ग्रीन कलर का। चलो यहाँ से अब हमें राइट टर्न लेना है। देखो भैया यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हो रहा है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं यार, देख रहे हो भाई साहब। चलो निकलो यहाँ से फटाफट, कमजोर पहाड़ जो हो जाते हैं वो लैंडस्लाइड होते रहते हैं भाई, गिरते रहते हैं, देख रहे हो ये सब लैंडस्लाइड का ही मलबा है। तो टाइम अभी 5:58 हो रहे हैं यार, 6 बज गए हैं। और ये जो मार्केट आपको दिख रहा है ये ऊखी मठ का मार्केट है भाई, ये ऊखी मठ अभी हम लोग आ गए हैं। और अभी यहाँ से मैंने मैप पे चोपटा डाला है तो चोपटा यहाँ से 32 किलोमीटर बता रहा है, 32 किलोमीटर। मैं सोच रहा हूँ कि आज चोपटा के आसपास में कैंपिंग करूँ यार, और कल सुबह ना भाई वहाँ से चोपटा से आगे निकलेंगे और पहुँचेंगे सीधा हम लोग गोपेश्वर, और गोपेश्वर से भाई फिर रुद्रनाथ की ट्रैकिंग के लिए निकल चलेंगे भाई। चलो आगे ना पेट्रोल ले लेंगे भाई, हाफ टंकी पेट्रोल आ गया है तो आगे पेट्रोल ले लेंगे, आगे पेट्रोल टंकी है, फुल करवा लेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे, फिर कल आराम से उधर रुद्रनाथ में नीचे गाड़ी लगा कर ट्रैकिंग शुरू करेंगे यार।
आगे भैया हम लोग तुंगनाथ, आगे गेट है जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तुंगनाथ में तो बहुत ट्रैफिक है भाई, ये देख लो, ये तुंगनाथ का यहाँ पे ये द्वार आ गया। यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होता है तुंगनाथ के लिए। ट्रैफिक तो है भाई, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर है भाई तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर है। इसकी ट्रैकिंग मैंने कर रखी है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, एडवेंचरस राइड मुंशियारी दोबारा के नाम से वो प्लेलिस्ट है भाई। चलो अब हम भी लोकेशन देखते हैं कहीं कैंपिंग के लिए। पीछे नहीं लगा पाया कि यार पीछे तो जगह था, लेकिन पीछे वहाँ पे ना लोकल लोग टेंट लगा के किराए पर दे रहे थे। अब उसी के बगल में आप लगा दोगे तो वो सोचेगा कि देखो, मतलब मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, एक भाई आया और फ्री में लगा के यहाँ पे चला गया, तो मैं उसको ठेस नहीं पहुँचाना चाह रहा था। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो आगे चल के और आगे ही कहीं लोकेशन देख के मैं कैंपिंग कर लूँगा। तो इधर की ओर आगे आगे बढ़ गए, इधर ही देखते हैं कहीं लोकेशन और कैंपिंग करते हैं भाई, फिर कल सुबह यहाँ से आगे चलेंगे। अभी तो बहुत टूरिस्ट आ रखे हैं यार, बहुत, हर जगह रोड पे गाड़ियाँ खड़ी है भाई, हर जगह रोड पे इधर गाड़ियाँ खड़ी है। इधर ये ठंडी बहुत रहती है ना भाई गर्मी के दिनों में, इसीलिए ठंडी का मज़ा लेने आते हैं लोग इधर। टाइम अभी 8:07 हो रहे यार, अभी हम लोग लोकेशन देखते आ रहे, कहीं लोकेशन नहीं मिला। तो अभी यहाँ ये चोपटा के जंगल में ही रुके हैं। अभी हम लोग सोच रहे कि यहाँ पे 5-10 मिनट बैठे, ये बनाया हुआ चबूतरा बैठने के लिए, और यहाँ से आगे 12-13 किलोमीटर मंडल गांव आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि चलो मंडल गांव में ही कैंपिंग किया जाए यार, क्योंकि इधर तो लोकेशन मिला नहीं हम लोगों को, तो इधर किए नहीं, चलो मंडल गांव में उतर के नीचे ही और कैंपिंग करते हैं यार। और मिलते हैं अब आपसे सीधा कैंपिंग लोकेशन पे ही, क्योंकि अभी अंधेरा है यार, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं, तो डायरेक्ट मिलते हैं आपको कैंपिंग लोकेशन पे। तो भैया टाइम जो है वो 9:15 हो रहे हैं, और ये देख सकते हो यहाँ पे ये हमने गाड़ी पार्क कर दिया है, और उधर सामने पहाड़ पे कुछ घर मकान दिख रहे होंगे, लाइट जल रही है। और ये इधर ये मेन रोड है भाई, और मेन रोड के सामने ही एक छावनी है, बस स्टैंड मेरे ख्याल से है, बस स्टैंड ही है। तो यहाँ पे नीचे ये देखो पूरा प्लास्टर वगैरह सब कुछ है, और बहुत बड़ा है यार। तो यहाँ नीचे तिरपाल बिछा के और टेंट लगा दिया यार, अभी रात यही बिताने का। और कल सुबह यहाँ से 15 किलोमीटर और रह गया भाई, 15 किलोमीटर बाद जो है वो अपना ट्रैकिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ से 15 किलोमीटर चलेंगे तो रुद्रनाथ पहुँच जाएंगे। चलो अभी तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे, क्योंकि टेंट वगैरह लगा लिए हैं, हम भी थके हुए यार, पूरा दिन गाड़ी चलाए हैं, तो अभी नींद बहुत अच्छी खासी आएगी, और ठंड भी है यहाँ पे, तो अच्छा नींद आएगा यार। तो चलो मिलते हैं कल, और रुद्रनाथ बाबा का दर्शन करवाते हैं, ट्रैकिंग का पूरा वीडियो दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं कल। हर हर महादेव, जय माता रानी।